तो कोरोना वायरस को लेकर जबरदस्त अनसर्टेनिटी है मार्केट में, और एक महीने पहले ही सेंसेक्स कहां 40,000 के आसपास था और गिरकर 26,000 27,000 के लेवल पर पहुंच गया है। और ऐसे मौके पर कोटक सिक्योरिटीज 10 स्टॉक लेके आया है जो इस अनसर्टेनिटी में आपको हेल्प कर सके। अब ये जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्लू चिप स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक्स है, पुराने स्टॉक है, जिन स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट की है, मैं उन्हीं स्टॉक की बात कर रहा हूं, फंडामेंटल स्टॉक की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 10 स्टॉक में से ऐसे कौन से 3 स्टॉक है जो आपको लगता है अगले 3 से 5 सालों में इस लेवल से डबल या ट्रिपल रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने रेफरेंस के लिए डेट जो ली है वो है 28 मार्च की। वैसे 28 मार्च शनिवार है और मार्केट बंद थी, तो 28 मार्च सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया है। जो क्लोजिंग प्राइस जो हमने लिया है वो है दोस्तों 27 मार्च का, तो उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। तो जो प्राइस है जिसमें स्टॉक बंद हुआ है उसमें से क्या रिटर्न दे सकती है आपके हिसाब से, डबल या ट्रिपल रिटर्न कौन सी 3 कंपनी दे सकती है वो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे पहले इस चीज को नोट करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोरोना वायरस को लेकर भारत में लॉकडाउन चल ही रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घर में ही है और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं दोस्तों। तो इसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ जो रहेगी वो मार खाएगी दोस्तों अगले कुछ दिनों में, तो उसको आप नोट करके रखें। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी लो होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका पैसा अभी लॉस में होगा, तो वो नया पैसा डालने में हिचकिचाएंगे, और अनसर्टेनिटी या इकोनॉमिक इंपैक्ट तो दूसरे रहेंगे ही जो कुछ नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। तो ये जो स्टॉक्स जो आपको मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको कल ही ले लेने के हैं, ये आपके नॉलेज में रखने के हैं, लॉन्ग टर्म में सोच के रखने के हैं ये सब स्टॉक्स दोस्तों। तो जैसे ही मार्केट ठीक होगी, सबसे पहला नाम जो कोटक ने लिया है वो है आईसीआईसीआई बैंक। 28 मार्च को लगभग 340 के पास इसका प्राइस था, आज की तारीख में मार्केट कैप इसकी 2.2 लाख करोड़ की है, और कोटक के अनुसार 615 की इसकी फेयर वैल्यू है। कोई रिटेल में बहुत बड़ा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, और इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.6% रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाता है। तो पहला स्टॉक दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। दूसरा स्टॉक दोस्तों बजाज फिनसर्व, ये ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। 28 मार्च को इसका भाव था 4,890 रुपए, आज की तारीख में जो मार्केट कैप है लगभग 78,000 करोड़ के पास की मार्केट कैप है, और कोटक को लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू 10,200 के पास है। और दोस्तों आपको बताऊं, ये बहुत ही ऊंचे लेवल से ये गिरा है, 40% से नीचे आज की तारीख में ये गिरा हुआ है, और आपको इस लेवल पर ये मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों तीसरा नाम है एचडीएफसी लिमिटेड। हाउसिंग फाइनेंस में बहुत बड़ा नाम है एचडीएफसी लिमिटेड, इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक का ये प्रोमोटर भी है। 28 मार्च को 1754 का इसका भाव था, लेकिन कोटक का कहना है कि हमें इनकी फेयर वैल्यू 2,680 लगती है, यानी बहुत ही अच्छा खासा ऊपर का टारगेट दे रहा है कोटक। आज की तारीख में 3 लाख करोड़ का ये मार्केट कैप है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा कहा जाएगा। और कोटक का कहना है कि एचडीएफसी 17% कोर अर्निंग सीएजीआर डिलीवर करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 के बीच में, ये उनका एस्टिमेशन है एचडीएफसी लिमिटेड पर, तो अपने रडार में रखिएगा दोस्तों। चौथा नाम है इंश्योरेंस की कंपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, एचडीएफसी लिमिटेड जिसकी हमने बात की वो इसका भी प्रोमोटर है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का। कोटक का कहना है कि इसमें ऐड कीजिए। 28 मार्च को इसका प्राइस था 441। दोस्तों जो इस स्टॉक को बहुत समय से देखते हैं उनको पता ही होगा कि ये स्टॉक कभी भी 570 से 630 640 के लेवल में ही बहुत समय तक था, लेकिन अभी एक अट्रैक्टिव लेवल पर
लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महंगा है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, वो चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, फेयर वैल्यू कोटक के हिसाब से 590 की है, और कोटक का कहना है हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन भी हाई है, यानी कि ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। दोस्तों पांचवा स्टॉक है कोलगेट पामोलिव। दोस्तों कोलगेट का टूथपेस्ट बहुत लोग यूज करते हैं, सुबह उठते ही कोलगेट एक घर का नाम बन चुका है, घर घर में कोलगेट का यूज होता है। दोस्तों 28 मार्च को 1159 का इसका प्राइस था, आज की तारीख में मार्केट कैप है 31,500 करोड़ की, यानी एक लार्ज कैप की कंपनी है, लेकिन फेयर वैल्यू कोटक बोलता है 1600 की कोलगेट पामोलिव की हम दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी नोट किया है और इंकरेजिंग टू नोट कि कोलगेट ने अपना ब्रांड इन्वेस्टमेंट क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 20 में किया हुआ है, जबकि इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, लेकिन कोलगेट को अपने ऊपर भरोसा है, अपने ब्रांड पर भरोसा है, तो उन्होंने नए इन्वेस्टमेंट भी किए थे जब मार्केट अच्छी नहीं थी। दोस्तों तो छठवां स्टॉक है आईटीसी। 28 मार्च को आईटीसी का भाव था 163 रुपीज 163, 2,00,000 करोड़ की मार्केट कैप है आईटीसी की, और उसकी फेयर वैल्यू कोटक ने जो बताई है अपने जो एनालिसिस है उसके द्वारा वो है 300। उनका कहने का है कि आईटीसी के वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, लेकिन सस्ते वैल्यूएशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जल्दी से बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों आईटीसी पर हम जब भी वीडियो भी बनाते हैं या फिर जब भी हम ब्रोकरेज की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 220-230 में भी ये बहुत ही सस्ता लग रहा था, तो वैल्यूएशंस तो आईटीसी के बहुत सस्ते हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन आईटीसी का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, तो भविष्य ही बताएगा कि ये वैल्यू ट्रैप है या फिर वैल्यूएबल कंपनी है जो कि मल्टीबैगर रिटर्न दे, समय ही बताएगा। दोस्तों फिलहाल कोटक तो 300 का भाव बता रहा है। चलिए अगले स्टॉक में चलते हैं, है टाइटन। देखिए दोस्तों टाइटन वो स्टॉक है जो राकेश झुंझुनवाला जी के साथ जोड़ा जाता है, ये स्टॉक ने राकेश झुंझुनवाला जी को मल्टीबैगर रिटर्न दिए थे, लेकिन ये बहुत ही समय हो गया है, 20-22 साल का समय हो गया है जब उन्होंने स्टॉक खरीदा था, लेकिन आपके लिए क्या टाइटन लेके आया है। 937 का प्राइस है 28 मार्च को, 83,000 करोड़ की मार्केट कैप टाइटन की है, और उसकी फेयर वैल्यू कोटक बता रहा है 1475, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस वो बता रहा है टाइटन पर। उनका कहने का है कि देखिए जो टोटल ज्वेलरी मार्केट में अगर टाइटन 50-60% भी वो जो कस्टमर है जो टाइटन के पास आते हैं, तो ये पूरी ज्वेलरी मार्केट का खाली 10-12% ही टाइटन के पास है अभी। यानी आप समझ लीजिए दोस्तों जो अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में जो शिफ्ट हो रही है जीएसटी की वजह से या डीमोनिटाइजेशन की वजह से, तो आप समझ लीजिए अगर 100 की मार्केट है तो 50-60 जो मार्केट शेयर है वो टाइटन को मिलना ही है भविष्य में, ऐसा कोटक का मानना है, और उसमें से सिर्फ 10-12% तक ही टाइटन उस मार्केट को कैप्चर कर पाया है। तो ये लॉन्ग टर्म के बारे में, इनफैक्ट मैं कहूं तो वेरी लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच के रखें टाइटन को अपने पोर्टफोलियो में। दोस्तों अगला नाम है फार्मा की कंपनी सिप्ला। सिप्ला 28 मार्च को उसका प्राइस था 407, और हमने इसका 5 साल का रिकॉर्ड देखा है, 5 साल में जो इसके इन्वेस्टर्स है उनको रिटर्न नहीं मिला है, न के बराबर रिटर्न मिला है। दोस्तों तो सिप्ला एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, 32,800 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, यानी आप समझ सकते हैं 33,000 करोड़ की इसकी जो मार्केट कैप है आज की तारीख में। फेयर वैल्यू कोटक इसकी 570 की बता रहा है, और ये कहते हैं कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है यानी भारत का जो खुद का बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो करेगा सिप्ला में, और दोस्तों सिप्ला में यूएस बिजनेस भी अच्छा खासा उसको प्रॉफिट देता है, और साउथ अफ्रीका का भी बिजनेस इसको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, लेकिन इंडियन बिजनेस ग्रो करे तो सिप्ला भी जरूर ग्रो करेगा। दोस्तों तो नोवा स्टॉक जो लाए हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत ही पुरानी कंपनी है, 28 मार्च को बंद हुआ था 1065 के लेवल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत ही बुरी तरह गिरा है ये स्टॉक,
मार्केट कैप एक समय में 10 लाख करोड़ तक भी इसकी पहुंची थी, जो अब घटकर 6,75,000 करोड़ तक रह गई है, और इसकी फेयर वैल्यू बताई है 1850 की। और रिलायंस फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव भी हुआ है पहली बार क्वार्टर थ्री 2013 के बाद। तो दोस्तों जरूर आप बताइए रिलायंस आपके रेडार में है कि नहीं, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक प्राइस अच्छा खासा गिरा हुआ है दोस्तों। तो क्या ये इसे आप मौका मानेंगे अपने लिए या फिर नहीं मानेंगे, जरूर बताइएगा दोस्तों। आखिरी स्टॉक है भारतीय एयरटेल। 28 मार्च को उसका प्राइस है 449। ये प्राइस है, मार्केट कैप है 2.4 लाख करोड़ की। फेयर वैल्यू जो कोटक बता रहा है वो है 600 की। और उनका कहने का है कि जो इंडस्ट्री डायनामिक्स चेंज हो रही है दोस्तों, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री चेंज हो रही है जिसमें भविष्य में दो प्लेयर ही रह जाएंगे, उसी आशंका है शायद वोडाफोन ना रहे, तो भारती को बहुत फायदा मिलेगा। यानी कोई भी केस हो भारती को फायदा मिलेगा ही दोस्तों। दोस्तों ये 10 स्टॉक हमने आपको बताए। अब आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको कौन से 3 स्टॉक लगते हैं जो आगे जाकर मल्टी बैगर रिटर्न दे या फिर अच्छी खासी कंपाउंडिंग दे या आपके पैसों को डबल ट्रिपल करे, वो स्टॉक जरूर बताइए आपके हिसाब से दोस्तों। आपके टाइम आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।